गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत बोटल गार्ड यानी लौकी के बारे में पढ़ना है, तो आइए देखते हैं लौकी क्या है। तो लौकी को बॉटनिकल नेम की अगर हम बात करें, लेजिनेरिया सिनेरिया कहा जाता है, और एक कुकुरबिटेसी फैमिली का क्रॉप है। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे। क्रोमोसोम नंबर इसका 22 होता है। डिप्लॉयड स्पीसीज होती है इसके। और अगर बॉटनिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो यह एक एनुअल और डायरेक्ट सोन क्रॉप्स है। इसके अलावा इसकी रूट्स जो होती है लॉन्ग टैप रूट होती है। इसके अलावा इसमें इसके प्लांट से बहुत सारे टेंड्रिल्स निकले होते हैं, जो आगे यानी इनको आगे क्लिम्बिंग में सहायता करते हैं, यानी कि चढ़ने या फैलने में सहायता करते हैं। और यह एक हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। बोटल गार्ड जो है हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो क्रॉस पॉलिनेटेड मीन्स हो गया, तो इसका मतलब है कि किस टाइप का है, इसमें पॉलिनेशन फ्लावर किस कंडीशंस में पाए जाएंगे, तो मोनोसियस कंडीशंस पाया जाएगा। और इसके पहले भी इसके बारे में बताया गया है कि मोनोसियस क्या होता है। तो मोनोसियस का मतलब है कि मेल फीमेल फ्लावर जो होगा एक ही प्लांट में होगा, बस उसकी संरचना में थोड़ा सा अंतर होगा, स्ट्रक्चर्स में अंतर होगा। यह है ओरिजिन्स की अगर हम बात करें, तो ओरिजिन जो होता है उत्तरी अफ्रीका को माना जाता है, लेकिन कहीं बुकों में मैं देखा हूँ कि इंडिया भी दिया है। तो आप फर्स्ट इसको मान चलिए, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सेकंड इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटर गार्ड्स को भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है, और ये पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में एक व्यावसायिक स्तर पर यानी कॉमर्शियल लेवल पे इसकी खेती की जाती है। सॉयल एंड क्लाइमेट्स की बात करें तो ये गर्म जलवायु अच्छा है इसके लिए, थोड़ा सा आर्द्र जलवायु होना चाहिए, ये अच्छी होती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 30 से 35 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और मिनिमम टेम्परेचर 18 से 22 सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि पानी नहीं लगना चाहिए। हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, ठीक है। और सोइंग एंड टाइमिंग की अगर बात करें, सोइंग एंड टाइमिंग की अगर हम बात करें, तो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें गर्मी में या वर्षा में दोनों मौसम में किया जाता है। मैदानी क्षेत्र में ग्रीष्म की अगर बात करें तो ये फरवरी से व मार्च तक, तथा वर्षा में जून से जुलाई तक इसकी बुवाई की जाती है। और सीड रेट्स की अगर हम बात करें, तो गर्मी की फसल अगर है तो 40 से 60 किलोग्राम, तथा वर्षा की फसल है तो 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी सीड रेट की आवश्यकता होता है। एक सेकेंड थोड़ा, चलिए ठीक है। तो सीड रेट की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे 30 से 40 केजी लिखा गया, तो मैं इसी पर डाउट था मुझे, तो ये 3 से 4 केजी होगा, लिखने में शायद गलती हो गई होगी, तो 3 से 4 केजी होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हेड सर से इसको कन्फर्म कर लूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि इतना ज़्यादा सीड रेट की आवश्यकता नहीं होती। 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर, और 4 से 6 केजी आने होने चाहिए। तो गर्मी की फसल है 4 से 6 केजी, और वर्षा की फसल है 3 से 4 केजी। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 40 से 60 हो गया है, 30 से 40 हो गया है। तो वर्षा के मौसम में बीज की मात्रा अगर बात करें, तो वेजिटेटिव ग्रोथ होने के कारण बीज की मात्रा कम लगता है। तो इसमें इम्प्रूव वैरायटी हैं, कुछ अच्छी वैरायटी हैं। इसके अलावा इम्प्रूव वैरायटी के पहले अगर हम बात करें, जब सीड रेट की हो गई, तो जब हम उसको नर्सरी डालते हैं, तो नर्सरी जब डालेंगे तो हमारे सामने क्या होगा कि ग्रोथ की जो इस एक तरह से समझ लीजिए ग्रोथ फेज़ क्या है इसका, तो ग्रोथ फेज़ जो होगा पहले नंबर पे क्या आएगा, आपका सीड जर्मिनेशन आएगा, ठीक है। सीड का जर्मिनेशन होना पहला। दूसरा होगा कि जब सीड जर्मिनेशन हो जाएगा, फिर सीडलिंग तैयार करना। देखिए, सीड जर्मिनेशन और सीडलिंग में क्या अंतर है, जब हम सीड की बुवाई कर देंगे तो 2 से 3 दिन में सीड जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा उसमें। उसके बाद उसमें पत्तियां जब निकलना शुरू होंगी, इस तरह से आप देखे होंगे कि एक पत्ती इस तरफ निकली और दूसरी पत्ती इस तरफ, तो इस तरह जब पत्तियां निकलने शुरू हो जाती हैं तो उसको सीडलिंग स्टेज कहा जाता है। और ये सीडलिंग स्टेज जो होगा 3 से 12 दिन का होगा। फिर वेजिटेटिव स्टेज होगा, यानी कि ग्रोथ उसमें होने लगेगा, तो 12 से 38 दिन का होता है, ठीक है। इसके बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो 38 से लेकर के 90 दिन, यानी जब तक फसल है, तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग अपना लगता रहता है। तो ये ग्रोथ स्टेजेस हो गए।
देखिए इम्प्रूव वराइटीज़ की अगर बात करें तो इसमें बहुत सी इम्प्रूव वराइटी हैं और सभी लगभग इम्पॉर्टेंट हैं, कभी न कभी एग्जाम में आई हुई हैं। इसमें से कुछ है इम्पॉर्टेंट, जैसे पूसा लांग को पूछा गया है, पूसा मेघदूत को पूछा गया है, पूसा मंजरी को पूछा गया है, पूसा संदेश को एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा एक हमें जहाँ तक याद है कि एक सम्राट इसकी वैरायटी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो इसमें हम मिसिंग है उसको लिख लीजिएगा, सम्राट बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ है। तो और भी वैरायटीज़ हैं, अभी 2000 एक सेकंड 2019 में कुछ वैरायटी रिलीज हुई थी यहाँ से आईवीआरआई बनारस से, तो उसमें है काशी किरण है जो 14 फ्रूट्स लगता है, लगभग उसके हर प्रत्येक पौधे में 14 फल लगेगा, ठीक है, एक पौधा है तो उसमें 14 फल लगेगा काशी किरण। इसके अलावा काशी कुंदल है जो कि डाउनी मिल्ड्यू के प्रति रेसिस्टेंस है, कुंदल KUNDAL काशी कुंदल। काशी क्रांति है डाउनी मिल्ड्यू के प्रति, ये भी रेसिस्टेंस है। काशी गंगा है, ये हाइब्रिड वैरायटी है, काशी गंगा जो है हाइब्रिड वैरायटी है, दो वैरायटी की क्रॉस यानी कि IC92465V का क्रॉस किया गया है DVBG151 से क्रॉस कराया गया था। हालांकि पेरेंटल रिकॉर्ड याद करना ज़रूरी नहीं है, बस यह याद रखिएगा कि 2019 में निकली हुई वैरायटी काशी गंगा जो है हाइब्रिड वैरायटी है और ये 800 से 900 ग्राम इसका फ्रूट्स जो होता है, 800 से 900 ग्राम होता है एक फल जो होगा 800 से 900 ग्राम का होगा और लगभग 480 से लेकर के 500 550 तक कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। तो ये है, इसके अलावा और भी वैरायटीज़ हैं, जैसे आपका कोयम्बटूर वन है ये जो कि 1981 में रिलीज हुई थी, जर्मप्लाज का यानी कि जर्मप्लाज था, बहुत सारे जर्मप्लाज थे, जर्मप्लाज का मतलब हो गया कि बहुत से वाइल्ड स्पीसीज या बहुत सारी वैरायटियों का एक कलेक्शन होता है और उसमें से फिर सुपीरियर प्लांट का सिलेक्शन कर करके निकाला गया था। तो कोयम्बटूर वन था जो कि 1981 में रिलीज किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें बीटल गॉड हाइब्रिड वन है जो कि एनडी नरेंद्रदेव बीजी मींस बोटल गॉड्स और अर्का बहार के क्रॉस से निकाला गया था। अर्का गंगा है, अर्का श्रेयास है, तो ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो अर्का गंगा जो होती है वो रेसिस्टेंस होती है इसके लिए गमी स्टेम ब्लाइट्स के लिए, ठीक है। तो ये अलग कई वैरायटीज़ हैं, इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है आपका 4-6 हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र मेन्योर FYM नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इसको देख लीजिएगा, 100 किलोग्राम 60-60 और 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है नहीं। इरीगेशन की अगर बात करें तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और वर्षा का समय है तो फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यूज फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कर सकते हैं, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम मैलिक हाइब्रिडाइज़ का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम एक क्रिटिकल स्टेजेस की अगर हम बात करें कि इसमें क्रिटिकल स्टेजेस क्या हैं जहाँ पर हम लापरवाही करेंगे और हमारा उत्पादन जहाँ पर प्रभावित हो सकता है, तो उसमें नर्सरी का समय पहला आता है कि यानी कि नर्सरी वाला जो फेज होता है वो फर्स्ट क्रिटिकल स्टेज होता है। क्यों होता है? अगर नर्सरी के समय हम ध्यान नहीं दिए, मीन्स नर्सरी हमारा बहुत बड़ा हो गया जहाँ हम नर्सरी डाले हैं, तो वहाँ पे फिर ट्रांसप्लांटिंग में प्रॉब्लम होगी, नंबर्स ऑफ प्लांट कम ग्रोथ कर पाएंगे या लग पाएंगे, तो पहली चीज़ होती है। वेजिटेटिव स्टेज भी है, मायने अगर वेजिटेटिव स्टेज पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फ्लावरिंग स्टेज पे है, अगर फ्लावरिंग लेट हो रही है या मेल फ्लावर ज़्यादा निकल रहे हैं तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर ऑब्जर्व करना रहता है। फ्रूटिंग के समय भी होता है, तो इन सारी चीज़ें क्रिटिकल स्टेजेज हैं, मीन्स 4 क्रिटिकल स्टेजेज हैं। पहला नर्सरी है, दूसरा वेजिटेटिव स्टेज है, तीसरा फ्लावरिंग स्टेज है, तो चौथा फ्रूटिंग स्टेज है। नर्सरी में डिजीज का इन्फेक्शन बहुत होता है, अगर प्लांट हाइट्स बढ़ गया तो फिर वहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग दिक्कत होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो उस समय जो भी
उस समय उचित जो भी फर्टिलाइजर मैन्योर या इरीगेशन की आवश्यकता हो उस सब चीज़ों पर ध्यान देना देने की ज़रूरत होती है। फ्लावरिंग स्टेज, अगर फ्लावरिंग थोड़ी सी भी लेट हो रही है तो हमारा फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी लाइफ कम हो जाएगी। तो लाइफ कम होने का मतलब है कि पौधा का जो ड्यूरेशन है 3 मंथ, 3 मंथ, उस दौरान उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और वो हमको प्रोडक्शन जो है कम मिल पाएगा और इससे फ्रूटिंग भी प्रभावित होगी। अगर फ्लावरिंग प्रभावित हो रहा है तो फ्रूटिंग भी प्रभावित होगा। तीसरे स्टेज में फ्लावरिंग आता है, अगर फ्लावर लेट हो गया या फिर मेल फ्लावर्स अधिक आ गए तो हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। तो उससे उसी तरह से फ्रूटिंग की बात करें तो चौथा स्टेज जो होता है फ्रूट, वो भी प्रभावित होता है। तो हार्वेस्टिंग की अगर बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग जो है वैरायटी के अनुसार हार्वेस्टिंग की जाती है। कोमल अवस्था अच्छा माना जाता है क्योंकि उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उपज जो होता है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। और पूसा संकर 3 एवं अर्का बहार की अगर हम बात करें तो 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है उपज। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो फ्रूट फ्लाई है, ईपी लाइकाना है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है। तो इसके बारे में पिछले भी क्लास में कई बार, यानी जितने भी लेक्चर्स आए हैं लगभग सब में इन सब बीमारियों के बारे में पढ़ा गया है कि किसमें क्या लगता है और इसका उपचार क्या है। तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा, तो हमें नहीं लगता बार बार बताने की ज़रूरत है इसको। तो ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो एक बार आप विभाग में या गूगल क्लासरूम पर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।